हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सीरीज हम उन स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं जो 9th to 12th की क्लास ग्रुप में हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जो आने वाले टाइम में किसी ना किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज का टॉपिक नंबर 6 है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके अंदर उस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं जहाँ पर एक्शन तो पास्ट में होता है लेकिन होता है कंटीन्यूअस मोड में। कंटीन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, तो पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव। ओके, तो एक्शन पास्ट में होगा लेकिन प्रोग्रेसिव मोड में होगा, यानी फिनिश नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, सर हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, तो एक्शन क्या है? पढ़ाने का। पास्ट में है लेकिन कंटीन्यूअस मोड में है, फिनिश नहीं हुआ। इस टाइप के स्टेटमेंट यहाँ आएंगे। ये पास्ट कंटीन्यूअस का बेसिक लेवल है जो हम यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो हर सीरीज में हम आपको बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि आपको जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको नोट डाउन जरूर करना है, जिससे कि आप टाइम टू टाइम इसको रिवाइज कर सकें। ओके, और हर एपिसोड के अंदर हम आपको देते हैं रूल्स उस टॉपिक के सारे, और उसके लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, उसके स्ट्रक्चर्स और उसकी एक्सरसाइजेज, ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलता है। जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस, उसका एक्टिव वॉइस वर्जन आपके सामने है। स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस, एग्जांपल देखिए, द बॉय वॉज प्लेइंग कबड्डी। तो आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सॉर्ट आउट करना होता है, पोजीशन करना है सबसे पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लेना है, जैसे हमने यहाँ पे लिया वॉज प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? कबड्डी। अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन करते। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लेना है ये जज करने में, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको पिक करना होता है कि मुझे अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है। अब आपके सामने है पास्ट कंटीन्यूअस की हमारी रेगुलर एक्सरसाइज ड्रिल, एक्टिव वॉइस का ड्रिल है ये। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं, हर कॉलम से एक वर्ड लेते हुए। जैसे मैं एक सेंटेंस डेवलप करता हूँ आपके साथ, ही वॉज रीडिंग द मैगजीन विद सौरभ। तो इस तरह से आपको एक वर्ड लेना है हर एक कॉलम से, और टोटल 5 सेंटेंसेस डेवलप करने हैं। एक सिंगल सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। ओके, स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉपुलर एक्सरसाइज है हमारी, जो हम हर एपिसोड में देते हैं, रीऑर्डरिंग। यहाँ पर भी बेस क्या है? स्ट्रक्चर्स। अगर आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको बताते हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पर पोजीशन करना है, वर्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल हम आपके साथ सॉर्ट आउट करते हैं, वाज नॉट यू फॉलोइंग सी द वर्क इन। तो इसको हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, सी वाज नॉट इन द वर्क। तो इस तरह से अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस डेवलप करने होते हैं। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने दिया है पास्ट कंटीन्यूअस का ही पैसिव वॉइस वर्जन, उसका स्ट्रक्चर। एग्जांपल देखिए, कबड्डी वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। क्योंकि पैसिव वॉइस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना होता है? ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं आप पैसिव वॉइस के अंदर। उसके बाद वर्ब, जैसे हमने लिया वॉज बीइंग प्लेड, एंड देन सब्जेक्ट बाय द बॉयज। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको स्ट्रक्चर चूज करना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, I1, I1N, I2, I2N। तो ध्यान रखिए, पैसिव वॉइस में आपको फोकस करना होता है ऑब्जेक्ट पर। ओके, यही एक मेजर डिफरेंस है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में आपका फोकस होता है सब्जेक्ट पर, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर। इज दैट क्लियर? अब आपके सामने नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है ड्रिल पास्ट कंटीन्यूअस पैसिव वॉइस का। ओके, तो ड्रिल के रूल्स हम बार बार आपको एक्सप्लेन करते रहे हैं, तो ये आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम डेवलप करते हैं, वॉच अ स्टोरी नॉट बीइंग टोल्ड टू अस। तो हर कॉलम से एक वर्ड लेते हुए आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। ओवरऑल सेंटेंसेस कितने देने हैं आपको? 5। हर ड्रिल से आपको 5 सेंटेंसेस डेवलप करने होते हैं, और इसका बेस क्या होता है? बेस होता है आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए ही आपको वर्ड पिक करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर सेंटेंस को फाइनली नोट डाउन करने से पहले आपको ये चेक करना होता है कि उसका सेंस क्या है। अब आपके सामने एक्सरसाइज है चेंज द वॉइस। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जज करना होता है कि जो सेंटेंस हमारे सामने है उसका वॉइस क्या है।
अगर एक्टिव है तो आपको उसे पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव है तो आपको एक्टिव में चेंज करना है। ओके, मोहन वॉज प्लेइंग द फ्लूट, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस क्या है? एक्टिव। अब इसको पैसिवाइज करना है, द फ्लूट वॉज बींग प्लेड बाई मोहन। तो जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव मोड का पैसिव जो स्ट्रक्चर है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, वो यहाँ सपोर्ट करेंगे। सब कुछ स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जम्बल्ड वर्ड्स यानी रीऑर्डरिंग। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स को रीसेट करना होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वाज बाय बीइंग सॉल्व द न्यू इट स्टूडेंट, वाज इट बीइंग सॉल्व बाय द न्यू स्टूडेंट। और सेंटेंस को फाइनल करने से पहले उसका सेंस जरूर चेक करना है, क्योंकि सेंटेंस की बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल क्लस्टर ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। अगर मीनिंगफुलनेस नहीं है सेंटेंस के अंदर तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। जिन स्टूडेंट्स का नरेशन वाला चैप्टर क्लियर है उनके लिए हम हर एपिसोड में कुछ एक्सरसाइज यहाँ डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो रिपोर्टेड स्पीच मिलेगी वो टॉपिक के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ नरेशन की एक्सरसाइज है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच केवल और केवल कौन सी होगी? पास्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आप सेंटेंस दे सकते हैं, नमन सेड टू मिताली दीपांशु वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो दीपांशु वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ये जो पार्ट है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो जिन स्टूडेंट्स का नरेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके रूल्स क्लियर हैं, तो वो यहाँ से नरेशन की एक्सरसाइज भी पैरेलल कर सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस को नरेशन में स्टडी कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का अभी ये टॉपिक नहीं हुआ है तो नेक्स्ट हम इस पर भी एक एपिसोड पूरा देने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और कहीं भी कोई भी आपको लाइक डिसलाइक देना है शौक से दीजिए, अगर डिसलाइक देना चाहते हैं तो भी दीजिए, बताइए कहाँ पे क्या कमी थी। अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ओके, आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल वॉचिंग।